गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स, जिसमें हमने डायलिसिस में मॉडिफिकेशन कर दिया था, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इनके बारे में डिस्कस किया था। ये मेथड्स थे कोलोइडल सोल्स को प्योरीफाई करने के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा चलता है कोलोइडल सोल्स की प्रॉपर्टीज़, यानी कोलोइडल सॉल्यूशंस के पास किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हम कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोलोइडल प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो एक तो इनका हीट्रोजीनियस नेचर होता है। कैसे होता है इनका नेचर? हीट्रोजीनियस। दूसरी बात, ये स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं, और इसलिए स्टेबल का मतलब लगातार मोशन में रहते हैं, इसलिए सेटल डाउन भी नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इनको आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट करना चाहें तो आप इनको फिल्टर नहीं कर सकते, ना ही ये हमारी नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, यानी नेक्ड आई से अगर हम देखना चाहें तो हम इनको नहीं देख सकते। अगर कलर की बात करें तो कोलोइडल पार्टिकल्स का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करेगा? इनके द्वारा जो लाइट स्कैटर होगी उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग कोलोइड्स का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बात करें, आपको पता है सॉल्यूशन यूनिट में हमने पढ़ा था चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। और जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं उनका एवरेज मोलिकुलर मास, एवरेज की बात करेंगे हम यहाँ पर, एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है? हाई। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं? लेस। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कंपैरेटिवली इनकी क्या होती हैं? लेसर होती हैं। लेकिन हम चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ज़्यादा एक्यूरेसी से मेज़र कर सकते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द कोलोइड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी दिया था सॉल्यूशन यूनिट में भी, कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द कोलोइड्स। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से ऑस्मोटिक प्रेशर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, रॉबर्ट ब्राउन के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने 1827 के अंदर पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर के अंदर होते हैं, प्लांट फ्लावर्स के अंदर होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को जो है वो उन्होंने वाटर के अंदर डिस्पर्स किया, और उन्होंने एक जिगजैग टाइप का उन्होंने मोशन जो है वहाँ पर ऑब्जर्व किया। तो क्योंकि उन साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ब्राउन था, इसलिए इस मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। और ये जो ब्राउनियन मोशन है वो सबसे पहले उन्होंने पोलन ग्रेन्स में ऑब्जर्व किया था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी इसी तरीके का मोशन शो करते हैं, तो इसलिए इसको उनके सम्मान में ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, यानी कोलोइडल पार्टिकल्स में भी ब्राउनियन मूवमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ये जो मोशन है ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करेगा, कोलोइडल पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा? उसके साइज और विस्कोसिटी पे। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज और विस्कोसिटी ज़्यादा है, लेस है, तो उसकी जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट में आप किसी भी तरीके की इस तरीके से जिगजैग पाथ में रैंडमली इधर उधर मूवमेंट आप शो कर सकते हैं। फिर आ जाता है ये, इसमें जब भी आप आए तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में मिलेगा आपको, उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, इस ब्राउनियन मूवमेंट का जो है वो क्या है, कारण क्या है? ये तो मैंने बता दिया कि साइज और विस्कोसिटी पे क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, कारण क्या है? जो डीएम के पार्टिकल्स होते हैं जो वो मूव करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो उनके अंदर होती है, तो जो वो मूव करेंगे वो डीपी के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे? डीपी के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे सभी साइड से,
और जब वो सभी साइड से उनके साथ टकराते हैं तो उनकी जो फोर्स उन पर एग्जर्ट होती है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड की होती है, अनबैलेंस फोर्स होती है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जिस भी डायरेक्शन में होगी उसी तरफ वो पार्टिकल्स मूव करने लगेगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये कोलोइडल पार्टिकल्स था, इस पर डीएम के पार्टिकल ने फोर्स एग्जर्ट की तो ये पार्टिकल इस तरफ मूव किया, फिर उधर से कोई दूसरा पार्टिकल आ गया उसने इधर धकेल दिया, फिर इसने इधर धकेल दिया, इस तरह। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। तो ये जो है रैंडमली मूवमेंट जो है वो शो करेंगे। अच्छा, इस कोलोइडल पार्टिकल्स की जो ब्राउनियन मोशन है उसकी हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी? कारण तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स बाय द डीएम। इम्पोर्टेंस में बात करें तो ये ग्रेविटी को अपोज करता है, यानी कोलोइडल पार्टिकल्स जब सेटल डाउन होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स को ग्रेविटी फोर्स को ओवरकम कर लेगा और ये पार्टिकल्स ग्रेविटी से सेटल डाउन होने की बजाय कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरीके से मूव करेगा। तो ग्रेविटी को अपोज करेगा इसलिए कोलोइडल पार्टिकल्स को ये ब्राउनियन मूवमेंट सेटल डाउन नहीं होने देता, यानी इसलिए कोलोइडल पार्टिकल्स स्टेबल हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। दूसरा, ये हमारे लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, यानी हम यहाँ पर एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर। ये थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लाइट, तो ये लाइट से रिलेटेड है। सबसे पहले ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिंडल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सिगमुंडी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो टिंडल इफेक्ट है वो एक टिंडल कोन की शेप में बनेगा। आगे हमें डायग्राम में दिखाएंगे कि जो लाइट है कोलोइडल पार्टिकल से वो स्कैटर डाउन हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की कोलोइडल पार्टिकल से, कब, जब उन पर एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट हम उन पर फॉल करते हैं। इस फिनोमिना को आप एक डार्क रूम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा उसका पाथ इल्यूमिनेट हो जाएगा, इस इल्यूमिनेटेड पाथ को बोलते हैं टिंडल। टिंडल का मतलब एक कौन शेप में, जैसे देखो यहाँ पर ये हमने एक लाइट सोर्स यूज़ किया है, तो ये जो लाइट है सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास रहेगा, तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को जब हमने इस बीकर में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन ले रखा है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब हमने सॉल्यूशन पर डाली तो यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स था उसका जो पाथ है, लाइट का पाथ है, वो क्या हो गया, इल्यूमिनेट हो गया। ये जो इल्यूमिनेट पाथ है यानी ये यहाँ पर क्या बन रही है, दो टिंडल कोन बन रही है। क्या बन रही है दोनों, ये टिंडल कोन। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, तो माइक्रोस्कोप पे जब हमने जो है वो स्टडी किया तो हमने देखा कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे लाइट फॉल करने पर उनका पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है। तो ये जो इल्यूमिनेटेड पाथ है ये टिंडल की फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और किसने ऑब्जर्व किया था, ये सिगमुंडी नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ हुआ कि ये हमें हेल्प करती है कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम उनकी संख्या कैलकुलेट करने में, क्योंकि जब वो लाइट स्कैटर होती है तो जो डार्क बैकग्राउंड होता है उस पर हर एक पार्टिकल से स्कैटर होने पर एक ब्राइट कलर का स्टार बनता है। तो हम पर यूनिट वॉल्यूम वो नंबर ऑफ स्टार्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जो एवरेज मोलिकुलर मास है कोलोइडल पार्टिकल्स का वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस टिंडल इफेक्ट की वजह से। और ये आल्सो हमें कंफर्म करता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स का जो नेचर होता है वो हीट्रोजीनियस नेचर होता है। तो ये जो दो फिनोमिनाज, दो प्रॉपर्टीज़, एक ऑप्टिकल और एक मैकेनिकल, यानी ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट जो मैंने आज आपको समझाया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट की फॉर्म में बहुत बार पूछे भी हुए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ तक का स्टडी करना है बुक से। थैंक यू।